नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। मैं हूं सनी, लेकिन उसके पहले मैं एक भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन, और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं द बायोग्राफर चैनल पे। तो आज का जो चर्चा का विषय है दोस्तों, वो है संदीप इंजीनियर, जन्म 11 मई 1961, अहमदाबाद गुजरात में स्थित एक भारतीय अरबपति उद्योगपति है। पेशे से एक केमिकल इंजीनियर, वो फॉर्चून 500 इंडिया कंपनी एस्ट्रेल लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। दिसंबर 2021 तक उनकी कुल संपत्ति 3.0 बिलियन अमरीकी डॉलर आंकी गई है। संदीप इंजीनियर का जन्म 11 मई 1961 को अहमदाबाद गुजरात में प्रवीण चंद्रा और हंसाबेन इंजीनियर के घर हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा उद्गम स्कूल अहमदाबाद में करने के बाद उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। दोस्तों, लाला भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने फिर डिग्री हासिल की। उन्होंने कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के साथ प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में शुरुआत की। फिर उनका जो पहला उद्यमशील कार्यकाल पूरे अहमदाबाद में कब्ज के लिए एक घरेलू उपचार सुगंधित इसबगोल के वितरक के रूप में था। कुछ वर्ष में उद्यम बंद हो गया, जिसमें उन्हें घाटा हुआ। 1987 में उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट बनाने के लिए श्री केमिकल की शुरुआत की। संदीप ने बाद में 1992 में अहमदाबाद के पास संतेज में फार्मास्यूटिकल बल्क ड्रग शुरू करने के लिए केरब केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इंजीनियर को अपनी कॉलेज के दिनों से ही पॉलीमर में विशेष रुचि थी। फार्मास्यूटिकल्स बल्क ड्रग में 8 साल के कारोबार के बाद उन्होंने पॉलीमर प्रोसेसिंग में उद्यम करने का फैसला किया। वो अमरीकी फॉर्चून 500 कंपनी अब लुब्रिजोल बीएफ गुडरिच के संपर्क में आया, जो पाइपिंग उद्योग में उपयोग किए जाने वाले पेटेंट क्लोरीन युक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड CPVC पॉलीमर में अग्रणी है। उन्होंने जल्द ही बीएफ गुडरिच से संपर्क किया और भारत में पहली बार प्रोसेसिंग लाइसेंस के लिए करार किया। इस टाई अप ने एस्ट्रेल पॉलीटेक्निक लिमिटेड, अब एस्ट्रेल लिमिटेड नामक एक नई कंपनी बनाई। 2014 में इंजीनियर ने चिपकने वाले और सिलेट बाजार में प्रवेश करके एस्ट्रेल व्यवसाय में विविधता लाई। एस्ट्रेल ने यूके स्थित कंपनी सील ईट सर्विसेज लिमिटेड में 80% नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। चिपकने वाले और सिलेट की एक विविध श्रेणी का निर्माण और कानपुर स्थित रेसिनी वाकेमी लिमिटेड का भी अधिग्रहण किया। 2020 में इंजीनियर ने औरंगाबाद स्थित कंपनी सरिता वाटर टैंक का अधिग्रहण करके प्लास्टिक भंडारण टैंक व्यवसाय में प्रवेश किया और ब्रांड नाम एस्ट्रेल के साथ पानी के टैंक का उत्पादन भी शुरू किया। इंजीनियर की शादी जागृति से हुई और वो अपने दो बेटों कायरब और सौम्या के साथ अहमदाबाद में रहते हैं। एस्ट्रेल पॉलीटेक्निक लिमिटेड आवासीय और औद्योगिक उपयोग के लिए
क्लोरीन युक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड CPVC और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC प्लॉम्बिंग सिस्टम की अग्रणी निर्माता है। घरेलू CPVC और PVC पाइप उद्योग में कंपनी की प्रभावशाली बाजार हिस्सेदारी है। पाइपिंग सेगमेंट में अग्रणी होने के अलावा इसने चिपकने वाले और सिलेट सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादों और पानी के टैंकों में विस्तार किया है। कंपनी के पास संतेज और ढोलका गुजरात, होसूर तमिलनाडु, घिलोत राजस्थान, संगाली महाराष्ट्र में पाइप निर्माण सुविधाएं हैं। सितरगंज उत्तराखंड, औरंगाबाद महाराष्ट्र और भुवनेश्वर उड़ीसा प्लंबिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, कृषि पाइप, औद्योगिक पाइप, अग्नि सुरक्षा पाइप, इलेक्ट्रिकल कंड्यूटर पाइप और इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादों के निर्माण के लिए। इसके अलावा ये संतेज घिलोट, होसूर, औरंगाबाद और भुवनेश्वर में स्थित संयंत्र में पानी के टैंक बनाती है। इसके अलावा कंपनी के पास संतेज गुजरात, रनिया और उनबव यूपी, एलेट यूके और स्टैनफोर्ड यूएस में एडहेसिव और सिलेट निर्माण सुविधाएं हैं। देश भर में इसके 2,535 से अधिक वितरक और 1,80,000 से अधिक डीलर हैं। एस्ट्रेल पॉलीटेक्निक लिमिटेड को 25 मार्च 1996 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एस्ट्रेल पॉलीटेक्निक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया। दिनांक 29 सितंबर 2006, 9 मार्च 2021 के विशेष संकल्प के अनुसार कंपनी ने 12 अप्रैल 2021 को कंपनी का नाम एस्ट्रेल पॉलीटेक्निक लिमिटेड से एस्ट्रेल लिमिटेड में बदलने की मंजूरी दी। कंपनी भारत में CPVC पाइपिंग और प्लंबिंग सिस्टम की निर्माता और प्रदाता है। 1999 से कंपनी भारत में CPVC पाइपिंग और प्लंबिंग सिस्टम के निर्माण और विपणन के लिए नोबियन यूएसए, पूर्व में जो BF गुडरिल USA के स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन के रूप में जाना जाता था, की पहली लाइसेंस धारी है। व्यावसायिक योजनाओं को मजबूत करने के लिए इसने US के स्पेशलिटी प्रोसेस LLC के साथ तकनीकी वित्तीय संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया, जिसने कंपनी के घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए CPVC पाइप और फिटिंग के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकों विशेषज्ञता प्रदान की। तो दोस्तों, ये थी कहानी एस्ट्रल पाइप्स की। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल के बेल आइकॉन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। और वीडियोस अगर अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर करके दूसरों को देखने का मौका दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।